हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे। मैं मनीष त्रिवेदी, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मनीष त्रिवेदी, एचओडी मैथमेटिक्स फ्रॉम कोटा क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी एडवांस में मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस और उसके बाद 11th क्लास में हमारा कितना पोर्शन रहेगा जो आईआईटी एडवांस के सिलेबस को कवर करेगा। क्योंकि आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो 11th क्लास के लिए है, लेकिन शुरुआत 11th क्लास से होगी, लेकिन उसको हमें ज्वाइन कर सकते हैं सारे के सारे, चाहे वो 12th क्लास वाले हों, चाहे वो ड्रॉपर हो, कोई भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकता है। और इस समय सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि आईआईटी एडवांस में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। आईआईटी एडवांस के अंदर मैथमेटिक्स को अगर लिया जाए तो ये एक थर्ड पिलर की तरह काम करता है। और अगर थर्ड पिलर है तो अब यहाँ पर दो केस आते हैं, एक 11th क्लास आता है और एक 12th क्लास है। ओके, 11th क्लास एंड 12th क्लास। ओके, अब 11th क्लास में हमारे पास कितना पोर्शन रहेगा जो आईटी एडवांस के लिए काम करेगा, और 12th क्लास में कितना पोर्शन रहता है। तो आपको बता दें कि 11th क्लास जो हमारे पास चलती है वो 55-60% चलती है, ठीक है। यानी जो 11th क्लास का सिलेबस होता है वो 55-60% होता है, और इसका जो रहता है वो आपका रहता है 40-45%। लेकिन जब हम अभी पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो आईआईटी एडवांस में आने वाले जो पेपर का वेटेज रहता है उसमें पेपर का वेटेज 12th क्लास का ज्यादा रहता है और 11th क्लास का उसमें कम रहता है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि 60% है और इसको कह सकते हैं 40%, ये पेपर वेटेज है, ठीक है। तो ये अभी पिछले 3-4 साल से ये ऐसा हुआ है, इससे पहले तो 50-50 के केस में आया करता था, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आज जो देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये 11th के लिए क्लास है, तो इस कारण से 11th क्लास के लिए ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आइए थोड़ा सा 11th क्लास को भी थोड़ा सा अलग अलग समझ लेते हैं कि उसमें हमें क्या चीज है जिसको प्रेफरेंस टॉप में देनी है, उसके बाद किसको हमें मीडियम में रखना है और किसको हमें डाउन रखना है, यानी कि किस तरीके से पढ़ाई करें। सिंपल सी बात एक समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके आसपास दो बंदे हैं, ठीक है ना, एक 8 घंटे मेहनत करता है और एक 4 घंटे मेहनत करता है। अगर 8 घंटे वाला मेहनत स्मार्ट स्टडी नहीं करता है तो फिर आप ये समझिए कि वो आखिरी तक यही सोचेगा कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी थी लेकिन मेरी वो आउटपुट नहीं है जो आउटपुट ये बगल वाले की आई है, ठीक है। तो एक्चुअल में अब आजकल जो स्टडी है वो आपकी स्टडी ये नहीं है कि आपको सिर्फ लेबोरियस करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, कि हमें पहले एक इंडेक्स फॉर्म करनी है, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है उसे ज्यादा वेटेज देना है, जिसकी प्रेफरेंस कम है उसे कम वेटेज देना है, ठीक है। करना कंप्लीट है, मानते हैं, मैं भी आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन याद रखना कि जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, और वो कौन बताएगा कि प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है, तो उसको लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं कि मेरी क्लास को लगातार आप ज्वाइन करते जाइए और देखते जाइए कि कौन कौन से चैप्टर सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, उनको आप अपने इंडेक्स में लिखते जाइएगा और उसके बाद उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिएगा। वैसे मैं इस क्लास में आपको बता देता हूं कि हमें प्रेफरेंस चाहिए किसकी, ठीक है ना। तो पूरा एक साथ नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे आती जाएंगी क्लासेस वैसे वैसे मैं आपको पता चलता जाएगा। तो यहां पर जो आप केस देखते हैं वो है अलजेब्रा, सेकंड केस है आपका ट्रिगो, और थर्ड कंडीशन है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी टुडे, ओके। और जो 12th क्लास में आएगा इसके कुछ एक आध चैप्टर यहाँ पर भी आएंगे, जैसे अलजेब्रा का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट यहाँ पर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरी यहीं पर ही आती है। और अगर हम अगला देखें तो यहाँ पर कैलकुलस, और फिफ्थ है हमारे पास वेक्टर एंड 3। जानते हैं सबसे छोटा सिलेबस जो हमारे पास होता है, सबसे छोटा सिलेबस है आईटी एडवांस का, लेकिन सिलेबस से पढ़ाई नहीं होती है। सिलेबस तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ भाई ये चीजें आ रही हैं, अब इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको पढ़नी होंगी और थोड़ा तरीके से सलीके से, ठीक है। तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको, इसलिए मैंने इसको 55-60 दिया है। और 12th क्लास में सिर्फ आपको 2 पोर्शन पढ़ने हैं, कैलकुलस और वेक्टर थ्योरी। अच्छा, इसमें से भी एक एक दो दो चैप्टर यहाँ पर ट्रांसफर है, इस कारण से आपको क्या करना है कि
टोटल मिला करके आपके पास, इसीलिए मैंने यहाँ 45 और 42 45 और यहाँ 55 to 60% हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके समझ में आया। आप ध्यान दीजिएगा जरा कि एलजेब्रा में आप जो हम लोग चलेंगे, एलजेब्रा में आपको पहले ये बता दें कि एलजेब्रा हमारा जो चल रहा है 2006 के बाद से, जब से हमारे पास ये सेक्शन वाइज पेपर चालू हो गया है, तब से 25% एलजेब्रा है, 23 to 25%, या ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 25% है। आपको बता दें कि 2006 से पहले तक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिर्फ 8% आती थी। आपको पता था क्या? अगर नहीं पता था तो एक लाइक बनता है, ठीक है। तो अगर 25% है तो अब आप ये समझते हैं 2006 के बाद ये 25% हो गया। कैलकुलस 2006 के पहले 45% आते थे, ये भी आपकी 25% हो गई। 25% वेक्टर 3D आपकी 15% तक हो गई, 15 to 17%, और जो रिमेनिंग बचा आपका, रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं बना पाएंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी जरूरी है, कंप्लीट पूरा करना है, ठीक है। तो अब एलजेब्रा के क्वेश्चन में आते हैं, जरा देख लीजिए। एलजेब्रा में जो टॉपिक मुझे लगता है और या जो हमने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताता हूं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम लोग बात करेंगे। आप शुरुआत करिए आईआईटी के पेपर्स की पहले साल से, जब से एसईए स्टार्ट हुआ हो, और 2019 तक का आप हर साल देखेंगे इसकी कम से कम एक प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिक्स क्लास से हम लोग नंबर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर और देन कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो अब हम लोग लगातार नंबर्स पे ही काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, ठीक है। और अगर हम लोग नंबर्स पे काम कर रहे हैं और ये आपका लास्ट नंबर है, इसके बाद कोई नंबर नहीं, लेकिन अब आगे जब आप जाओगे ना तो सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पे मिलने वाला है। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहां पर तो आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पर काम करेंगे, आगे जब चलेंगे बीटेक के अंदर या फिर आगे के केसेस में तो आपको वहां पर उनके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको आगे चल करके बीटेक में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़नी है या मैथमेटिक्स के कौन से पार्ट हैं जो वहां यूज होंगे, तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू रख करके आपको अपने चैप्टर सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स में आप सबसे पहले 11th क्लास ये लिख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके स्टार्टिंग में आ गया है, फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, भाई मैंने कहा ना 6th क्लास में जाना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4 डेटेड है। फिर है आपके पास होल नंबर 0, 1, 2, 3 डेटेड है। फिर है आपके पास इंटीजर्स आई और जेड डेटेड है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डेटेड है। फिर आपके पास रैशनल नंबर एक्स उज दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, एंड इरेशनल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रेशनल, देन दिस इज इरेशनल। इरेशनल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, जैसे √2, √3, एक्सपोनेंशियल पाई एक्सेट्रा। और उसके बाद रियल नंबर, ओल्ड नंबर्स इन योर थॉट्स, जो आपकी सोचों में नंबर पड़े हुए हैं वो सारे सारे रियल्स हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे सबको हम इंडिकेट कर रहे हैं किसी ना किसी केस से, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके समझ में आया, ठीक है। यहां तक की अपनी कंडीशंस हो गई, क्लियर है ना, ध्यान से देख लीजिए।
तो अब इसमें आपने एक बहुत सिंपल सी बात समझ ली कि जो नेचुरल नंबर होता है दिस इज द वेरी स्मॉल सेट, यानी कि नेचुरल नंबर, इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा, ध्यान देना बेटा, ये नेचुरल नंबर है, राइट? नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इज सबसेट ऑफ रैशनल, इज सबसेट ऑफ रियल, इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वेयर इरेशनल इज हेयर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रैशनल। ठीक है, ये श्रीलंका की तरह देखो अलग है, ठीक है, इंडिया में नक्शा में बना दिया, मतलब एक प्रकार समझिए, और बाकी श्रीलंका की तरह ही अलग बैठा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, यानी कि नेशनल नंबर सबसे छोटा सेट है और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे कहते हैं सभी के पितामह हैं ये। ठीक है, तो ये पितामह हो गए सबके। ठीक है, तो यहां से आप इसके बाद क्या कोई कभी नंबर पढ़ने को मिलेगा? नहीं, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप कुछ भी करके आठवीं तक चले जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर 6 से पढ़ना चालू किया, 11th पे जाके खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी बात यहां पर रह गई थी, जब हम लोग यहां पर सी इक्वल टू एक्स वॉज दैट एक्स इक्वल टू एल्फा प्लस आई बीटा ले रहे हैं, तो यहां पर ये क्या है आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आई, ये आई क्या है? तो आई पर आइए हम लोग बात कर लेते हैं। जब तक आई को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं जान पाएंगे। वो एक डायलॉग भी है ना कि जब तक इसको जानेंगे नहीं, वो डायलॉग तो ये है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से है ये, जब तक आई को जानेंगे नहीं तब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जान नहीं पाएंगे। तो आइए फिलहाल चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो आई को समझने के लिए हमें थोड़ा सा यूलर साहब की इस थ्योरी पर जाना पड़ेगा। अब ये यूलर्स कौन थे? ये यूलर साहब हैं मैथमेटिशियंस, और इन्होंने बहुत से थ्योरम दिए हैं, उनमें से एक ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालूं एक्स की तो ये आएगी प्लस माइनस वन, ओके? और यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो लेता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ओके? अब ध्यान देना, यहां पर एक्स की वैल्यूज निकल रही है और ये हमारे पास इंटीजर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, यानी डिफाइंड है वैल्यू। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर आता हूं तो क्या डिफाइंड है वैल्यू? तो आप कहेंगे नो, नो रियल वैल्यूज। वेरी गुड, बिल्कुल सही, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर नो रियल वैल्यूज कह रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो जो बचा वो रियल नंबर ही का केस था। तो रियल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो निगेटिव वैल्यू है वो क्या डिफाइंड होती है? नहीं होती है। कहाँ पर? रियल एक्सिस पर। रियल एक्सिस पर निगेटिव वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, इस कारण से ये क्या होगा, नो रियल वैल्यूज आपको शो कर रहा है, क्लियर? लेकिन अब वो यूलर साहब कहते हैं कि कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा है, मानते हैं कि ये चीज जो है आपके पास रियल एक्सिस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन कहीं तो एग्जिस्ट कर रही है, और अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कहें चाहे ना कहें इसको मैं अपनी तरफ से कोई नाम दे देता हूं। तो उन्होंने इसको एक नाम दे दिया, कहते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आई के रूप में, यानी आयोटा के रूप में इन्होंने इसको यूज करना चालू कर दिया। इन्होंने कहा कि इसको इमेजिनरी मान लो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर जब इसके साथ टच होगा या इसको इंटरसेक्ट करेगा तो वो अपने आप इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए जब यहां पर हम आए हैं तो ये रियल पार्ट है, ये भी बीटा भी रियल वैल्यू है, अल्फा और बीटा बोथ आर द रियल वैल्यूज, यहां पर लिख देता हूं अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा एंड बीटा बोथ आर द रियल वैल्यूज, बट बीटा इज मल्टीपल विद आई देन द पार्ट विल बी इमेजिनरी, पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आयोटा पर जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा फोर इक्वल टू वन एंड आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन। इन चार को अगर लगा डाला तो लाइफ तुम्हारी जिंगा लाला, ठीक है, मतलब कि आई की पावर फोर इक्वल टू अगर वन दे रखा है बस इतना जान लो आयोटा कंप्लीट। ये क्या है? अरे यही तो है भाई। और एक चीज और ध्यान देना कि
कि जो हम लोगों का प्रोसेस रहेगा, मैं प्रॉब्लम्स को टाइप्स में करवाता हूँ। एक्चुअल में आप चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर के 5000 प्रॉब्लम्स करिए, चाहे 2000 या 6000, आप माइंड में नहीं रख सकते। लेकिन मैं अगर यहाँ पर 25 टाइप इसका बोल दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 25 टाइप लगते हैं, तो 25 टाइप बाद आपको ये पता है कि चाहे आप एनसीईआरटी से करो, चाहे कंपटीशन की कोई भी बुक करो, आपको 25 के अंदर ही सब कुछ लगना है, 25 टाइप के अंदर ही लगना है, ठीक है। तो उस टाइप के कारण से क्या है, हर लेवल का बच्चा उसमें कवर कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जितना भी आपको चैप्टर्स लूंगा वो सारे के सारे टाइप वाइज ही लूंगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद कम से कम एक चैप्टर पूरा ए टू जेड आप देखें। जब आप पूरा ए टू जेड देखेंगे तो आपका वो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा कि अरे यार ये तो बेसिक है, अरे यार ये तो सिर्फ मिड तक गया है, यार मुझे तो वो लेवल चाहिए था, वो लेवल। तो वो लेवल आएगा कहाँ से, जब आप कहीं फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं या सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, तो सबसे पहले आप पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, ठीक है। और एक लेक्चर में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। कोई क्रैश कोर्स तो है नहीं जो एक ही लेक्चर में सब भर दो। भाई 9 दिन के व्रत को हम एक साथ कहते हैं कि नहीं भैया 10वें दिन सब खा लो, ऐसा नहीं है ना। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक चैप्टर पूरे लेक्चर आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद मुझे बताओ कि क्या चीजें रह गई हैं। गारंटी मैं देता हूं कि आपके एनसीईआरटी से लेकर के कोई भी बुक हो वो आपका बनेगा, और दूसरा कोई भी आपका असाइनमेंट हो किसी भी कोचिंग का, वो भी आपका 95% तक बनेगा। देखो 5% ये होता है ना कि ये आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हो। अब ये मैं कह दूं 100% तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 95% इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरे लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के साथ साथ उस तरीके से वर्क करो। मैं यहाँ पर वर्क भी कराऊंगा आपको, ठीक है, उस तरीके से कंटिन्यू आप वर्क करो। और वर्क करने के बाद जब आप इसको कर लो, तो यहां से जो आपको आप कमेंट्स कर देना, आपको डीपीपीस चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए या जो भी चाहिए, बस आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना। और जुड़ने के बाद यहाँ से आपको वो जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो कलेक्शन की बात ना करिए, एक एक चैप्टर के कम से कम 5000 प्रॉब्लम्स हैं अपने पास, ठीक है। लेकिन हम बच्चे को और उसकी आईक्यू को देखने के बाद ही समझ पाते हैं, उसको उसी लेवल का फिर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी जुड़े रहिए। तो ये है हमारे पास आयोटा रूट -1 i² = -1 i³ = -iota i^4 = 1। मैंने आपसे कहा i^4 = 1 को ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसको मैंने टाइप 1 में पूरा कंप्लीट कर दिया, इसके जितने भी बेस प्रॉब्लम्स हैं टाइप 1 में कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन सब टाइप इसकी 3 बन गई। कैसे देखिएगा जरा, चले देखे, आपने ये क्लियर कर लिया ना आई समथिंग और ये जितना भी है। अब आपको करना क्या है, टाइप 1 सब टाइप नंबर 1 आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आप अगर आपकी पावर में कोई भी इससे बड़ा है, यानी देखिए आंसर या तो आपका रियल नंबर में आएगा या तो आपका आयोटा में आना चाहिए, इसके अलावा नथिंग, और कुछ नहीं। अगर आई स्क्वायर भी है ना तो उसे आप -1 लिख दें। तो जैसे मैंने कहा 273, ठीक है, आयोटा की पावर 273, तो आपको क्या करना है, 4 लेना है, 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद यूक्लिड लेमना फॉर्म करके उसका रिजल्ट लिख देना। मैं अगर डायरेक्ट आपसे बोलूं कि क्या लिखना है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है आई की पावर आर, ठीक है सर। आर इज द रिमाइंडर ऑफ द दिस डिविजिबिलिटी फॉर्म वेयर 4 इज डिवाइडेड फ्रॉम 273, ठीक है। यानी 4 से अगर मैं 273 को डिवाइड करूं तो हमारे पास जो भी आता है वही हमारे पास रिमाइंडर का केस आएगा। तो जैसे मैं यहां से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 24 ये आ गया, ये आ गया 3, ये 3 आ गया, ये 8 आ गया, और ये आ गया 32, ठीक है। लिखने को मैं डायरेक्ट लिख सकता था, यहां पर कितना हो जाता 4 × 68 प्लस, और ये कितना आ गया था 1, ये 1 आ गया। तो रिमाइंडर यहां देखिए कितना है, रिमाइंडर है 1, तो आपका वैल्यू कितनी आ गई आई। अब आप कहेंगे ये आई कैसे आ गई, ये वैल्यू कहां चली गई, तो ये वैल्यू ऐसे चली गई बेटा, ये वैल्यू कहां चली गई ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आपकी पहुंच गई आयोटा की पावर 4 × 68, और ये पावर ऐड हो रही है तो आयोटा की पावर 1 हो गई, आयोटा की पावर 4 और 4 पावर 68, और ये आयोटा आ गया, ये वैल्यू 1 हो गई, 1 की पावर 68 आ गया, और ये हो गया आई, तो ये आ गया आपका आयोटा।
ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी कभी 4 से आप डिवाइड करें तो इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, आपको सिर्फ रिमाइंडर की जरूरत है। रिमाइंडर आया, रख दीजिए, रखने के बाद जो आ जाएगा वो आपका आंसर। अगर रिमाइंडर आपका जीरो आता है, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो वैल्यू वन, अगर रिमाइंडर वन आता है तो आयोटा, रिमाइंडर टू आता है तो माइनस वन, रिमाइंडर क्यूब आता है तो माइनस वन, रिमाइंडर फोर आ नहीं सकता क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो अब अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट जल्दी से बनाना, फटाफट टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 2497, जल्दी 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 बनाइए, जल्दी जल्दी फटाफट, 1 2 3, मेरे 30 तक आते आते आपका हो जाना चाहिए, यानी कि हाफ सेकंड लगना चाहिए, सॉरी हाफ मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस वेरी गुड। जो ये हमारे पास आया है 4797, इससे 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 1 4 4 2 8 और ये 4 4 16, तो आपके पास 4 + 1 रिमाइंडर कितना है 1, तो आपका आंसर कितना है 5। एक्चुअल में 30 बोला था ना, तो मैं ईमानदार तो होने, याद रखना कि नेता अब नेता और एमटी सर इनकी बातों पर विश्वास मत करना। ठीक, तो यहां पर क्या करना है आपको, मैंने आपको 30 सेकंड कहे, मान लो वहां पर 30 मिनट्स कहे और 30 सेकंड आपसे कहे और उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई और या फिर आप हड़बड़ी में एकदम गलत कर रहे हैं, तो मुझे तो आपके प्रेशर बनाना ही है ना, तो ये एक साइकोलॉजिकल है, मैं आपके प्रेशर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, आपको बोले गए समय से पहले ही आपसे कॉपी खींच लूंगा। तो यहां पर आपके रिजल्ट कितना आ गया, हाई। चलिए फिर देखते हैं, ठीक है ना, सेकेंड चांस है, आपकी बात ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट, 5 9 8 आएगी पावर 5 9 8, जल्दी 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 जल्दी, 10 सेकेंड हो गए, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, वेल डन। कितना आ गया यहाँ पर, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ गया, ये 4 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 है तो 6 आ गया, 9 आ गया, तो टोटल कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा आपका आई की पावर 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं आपके रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो वैल्यू कितनी हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो टाइप 1 सब टाइप ए, क्लियर, डन, चलिए वेरी गुड। चलिए चलते हैं सेकंड केस में, इसी केस सेकंड केस में ना जाके इसमें थोड़ा सा एक केस और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर नेगेटिव कुछ लिखा है, तब आप कैसे करेंगे, तो नेगेटिव के केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको 1 अपॉन कर लीजिए। ठीक है, आप इसको सिंपल इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, कितना बचेगा लास्ट में, यहां पर बेटा है आई क्यू, रिमाइंडर कितना आएगा 3 ना, 4 से डिवाइड करते ही 36, तो ये 3 आ गया रिमाइंडर। अब देखो, अब आप क्या करोगे, 1 किसको कहते थे, आप 1 कहते थे आई की पावर 4 को, राइट, तो आई की पावर 4 अपॉन आई क्यू, कैंसिल आउट कर दिया तो कितना हो गया आई। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम दे गया तुम्हें, भी आई -57, आई की पावर -57, जल्दी 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 4 से डिवाइड करो, जल्दी करो 4 से, कितना आएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, आई बेहतरीन। देख लीजिए यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही है, 1 अपॉन आई की पावर 57 और ये कितना हो गया 4 से डिवाइड होते, 4 में 4 और ये आया 1, 4 4 और ये आ गया तुम्हारा आई की माइनस आई होना चाहिए। देखिए यहां पर 1 आ गया, 4 के लिए 1 आ गया, यहां से 1 यहां ट्रांसफर हुआ, 4 4 16 हो गया, यहां से 1 बच रहा है, यानी कि आपका रिमाइंडर बच रहा है 1, तो 1 अपॉन आई हो गया, लेकिन 1 को आपने आई की पावर 4 कहा है इसलिए आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास फाइनल कितना आ गया, आयोटा की पावर 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आई, ओह रॉन्ग, तो आपका आंसर कितना हो गया, माइनस आयोटा, वेरी गुड। तो यहां पर हमने दोनों चीजें सीख ली हैं, पॉजिटिव पावर रहे तब भी हम लोग कर सकते हैं, नेगेटिव पावर रहे तब भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों को टाइप बन के ए सब टाइप में ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, तो अब आते हैं, हम लोग ने ये खेल भी खेल लिया। अच्छा, अब आप प्रॉब्लम ये कह सकते हैं कि सर ये तो आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, जब तक आप इसको नहीं सीखोगे, मैंने क्या बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में हम नहीं जा सकते, तो टाइप 1 के बी पार्ट में आते हैं हम लोग। टाइप 1 का बी पार्ट क्या है, आइए उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में हमें समेशन फॉर्म दे दिया गया, 5 9 8 plus I 5 9 6 plus I 5 9 4 plus I 5 9 2 I 2 7 8 plus I 2 7 6 plus I 2 7 4 plus I 2 7 2, I की पावर 592 बाहर ले लिया, I की पावर देखिए ये 8 है ये 2 है, 6 बचा, I
I2 7 2 के बाद क्या है I6 I4 I2 और I ये 1 हो गया, दोनों सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए। I की पावर 592 माइनस 272 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0, ये आ गया 2 और ये आ गया कितना आया 3। अब जरा 4 से डिवाइड करो तो बेटा देखो 4 से डिवाइड करते ही टोटल चला जाएगा, यानी I की पावर 0 वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये सेकंड टाइप है आपका, समेशन फॉर्म में दिया जाएगा, उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। अलग अलग सॉल्व आउट करने की बजाय आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आगे उठाकर प्रोसेस करिए, ठीक है। तो ये टाइप 1 का बी पार्ट हो गया, क्लियर। अब चलते हैं टाइप 1 के सी और फाइनल पार्ट पर, ठीक है। टाइप 1 के बी पार्ट में एक चीज और देख लीजिए, इसी में एक कंडीशन और है, 1 प्लस आई की पावर 2 दे रखा है, तो आप इसकी वैल्यू क्या बताएंगे, a प्लस आई का होल पावर होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई होता है स्क्वायर प्लस 2i होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i होता है, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 2i होता है, ओके। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि 2 का तो आइडेंटिटी मालूम है आपको, 1 प्लस आई होता है की पावर 2 होता है 21 है अगर, अब बताइए क्या होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले इसको इवन पावर में कन्वर्ट कर लीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, इवन पावर में कंप्लीट करके 1 प्लस आई होता है यहाँ पर लिखते हैं, और इसके बाद इसको लिख सकते हैं स्क्वायर 4 पावर 1010 और 1 प्लस आई होता है। अब इसकी वैल्यू तो आपने पहले निकाल रखी है 2i 1010 इंटू 1 प्लस आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 1010 आयोटा की पावर 1010 और 1 प्लस आई होता है। अब यहाँ पर इससे आपको कुछ नहीं है, इससे भी आपको कुछ नहीं है, जो भी चीज निकालनी है वो इस पे निकालिए। आई की पावर 1010 की वैल्यू कुछ नहीं है, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड किया, यस 2, 4 से डिवाइड करते हैं 2 ये आया, ठीक है 2 ये आया, इधर आया 4, 5 हो गया, 1 इधर आया 2, तो कितना हो गया आई 4 × 252 प्लस कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 2, फिर से देख लो 2 ये आया 8 हुआ, 8 यानी 2 आ गया, 5 + 20 हो गया, 1 आ गया, 2 आया, हाँ यस 2 आ गया, तो I का रिमाइंडर कितना आया 2, यानी कि -1, ओके। तो ये फाइनल आपका कितना आ गया 21010 माइनस 1 और ये 1 प्लस आवर का, ओके। अभी आपको एक प्रॉब्लम देंगे, यहां से देख लीजिए बस, तो यहां पर कितना हो गया -2021010 और ये आ गया 1 प्लस आर होता 21010 और ये आ गया आपका -2101 ये रियल पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये है प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी हो गई थी, अब इसी में टाइप बी के बाद टाइप सी के लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा कि 1 प्लस आर होता की पावर 3 का क्या होगा, जल्दी बताइए 1 प्लस आयोटा की होल पावर क्यूब, जल्दी से फटाफट 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 जल्दी से यही करिए, ऑड पावर है, ऑड पावर यहां की, ठीक है। तो ऑड पावर को कैसे किया था जल्दी से देख लीजिए, आप और हमारे बीच में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा डिजिटली चल रहा है सब कुछ, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप और हमारे बीच में एक डिजिटली वो है, बाकी सब कुछ क्रैश वो जैसे होता है ना क्लासरूम के अंदर, बिल्कुल वैसे ही है। क्लासरूम में हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, लेकिन मेंटली तो टच कर ही सकते हैं, ठीक है ना, मेंटली टच कर लेंगे। तो यहाँ पर बस आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे उसी तरीके का माहौल बनाना है, आपको बिल्कुल एज ए स्टूडेंट जुड़ना है, और यहाँ पर मैं आपको एज ए टीचर आपको यहाँ पर आपको बताता रहूंगा, पूरा क्लास वाला माहौल रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ऑड वाली कंडीशन है, जल्दी ये बातें मैं तब करता हूँ जब यहाँ पर आप लोगों के कैलकुलेशन चल रहे होते हैं, ठीक है ना, डाइवर्ट भी तो करना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ जल्दी से समझ में आ जाने से क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओ ये तो आ गया मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट करते हैं। 1 प्लस आई की होल पावर 3, जल्दी जल्दी फटाफट, तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस आयोटा और ये हो गया 2 और ये 1 प्लस आयोटा और के केस वाला अलग कर दिया, ये वैल्यू क्या है 2 आयोटा का होल स्क्वायर और ये है 1 प्लस आयोटा, ये कितना हो गया 4 आयोटा स्क्वायर और ये है 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 - 4 1 प्लस आयोटा, तो आपका आंसर हो गया -4 - 4 आयोटा, ये कंप्लीट। किसका किसका है जल्दी बताइएगा, सही बताइए किसका किसका है, ठीक है।
ठीक है ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जिसका भी आया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया है करत करत अभ्यास जड़मत होस्त जान, ठीक है ना, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप फिल्मों में यकीन रखते हो ना तो एक चीज बता दें, कई बार ऐसे भी हीरोज होते हैं जो पहली बार में जब कैमरे के सामने जाते हैं ना तो 20 रिटेक देते हैं, ये फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, आपको यकीन ही नहीं होगा, आपको ये लगेगा कि ये तो अब जाएगा, लेकिन आने वाले 5-7-10 साल के बाद वो पता चलता है कि वो वहां का सुपर स्टार है। ठीक है, ये मैंने शाहरुख खान का नाम लिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप बी के बाद, टाइप वन बी के बाद हम बात करेंगे अब टाइप वन सी के लिए, ठीक है। तो टाइप वन सी पर हम लोग चलते हैं जरा। टाइप वन सी में हमारे पास सीरीज फॉर्म में आते हैं, 1+i+i² + i³ +i^2021। अच्छा, एक सीरीज को देखते ही मुझे एक प्रॉब्लम याद आ गई है, वो देख लो जरा, ये एनडीए फॉर्म में भी आई थी। देखो कंपटीशन तो कंपटीशन है, माँ बाप ये नहीं कहते कि भाई आईआईटी होना है, माँ बाप ये कहते हैं भाई हर तरीके का बच्चा है मेरे पास, हर तरीके का स्टूडेंट मेरे साथ लगा हुआ है, तो यही जरूरी नहीं है कि कौन कहां पर है। वो ये कहते हैं कि एक समय के बाद वो कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है। ये आप अपने माता पिता जी के पास एक बार बैठ के देखिएगा, वो आपसे ये नहीं कहेंगे बेटा नहीं यही बनना है यही बनना है यही बनना है, नहीं तो समझ लो अगर वो नहीं बने तो मैं जहर खा लूंगा ऑब्लिक खा लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि आप एक सही समय के बाद भटको नहीं, तो समय रहते ही अपना कुछ ना कुछ एक ठीक ठाक साफ हो जाए, ठीक। तो मैं यहाँ पर हर एक केस को लेके चलता हूँ, उस नॉर्मल बच्चे को भी लेके चलता हूँ जो एकदम बेसिक से है, ठीक है। देखो आईक्यू जो होती है ना वो बनाई जाती है, लेकिन कुछ गॉड गिफ्टेड टर्म्स भी हैं, ठीक है ना। बहुत देखो जैसे ये है, जैसे इलास्टिसिटी वाला केस ले लो ना, अगर कोई चीज थोड़ी सी इलास्टिक है तो उतना खींच लो। अब कई चीजें जिसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, अगर आप उसको खींचोगे तो क्या होगा, टूट जाएगी ना, तो इतना नहीं, ठीक है। आप अलग अलग आईक्यू के हैं, सबको एक साथ नहीं बनना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, दूसरे को देख के खुद को मत बनाओ, आप अपने अंदर की काबिलियत को समझो और उसके अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है ना। आप अपना क्या 100% कर सकते हो, और हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, ठीक है ना। ये नहीं देखना है कि शर्मा जी का लड़का वो हो गया था आईआईटी में तो हमें भी आईआईटी करना है, नहीं। आप हो सकता है आपके लड़के में कुछ अलग हट्स हो, भाई 5 उंगलियां हैं, 5ों की अलग अलग पहचान है, ये थोड़ी ना है। अगर मान लो इसको इसकी जलन होती, इस वाली उंगली को इसकी जलन होती, तो ये भी ऊपर वाले ने बराबर ही बनाई होती ना, तो ये सब मत करें, सिंपल सा देखें। तो मुझे याद क्या आया, मुझे याद आया एनडीए का, एनडीए अप्रैल 2017, क्या हुआ, एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, 4n+i, 4n+1, i, 4n+2, i, 4n+3। देखिए वीडियोस लगातार चलते रहिए, बीच बीच में मोटिवेट करना आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना कि एक डिप्रेशन सा आ जाता है प्रॉब्लम्स को देखे, प्रॉब्लम को देखे डिप्रेशिएट मत हो, मेरी हर क्लास में आपको मोटिवेशन मिलेगा, हर एक क्लास में आपको एकदम मतलब एनर्जेटिक कंडीशन मिलेगी, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, यस सर अब तो बस कर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, एंड यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि अगर 4 से डिवाइड करते हो तो बस रिमाइंडर पर नजर डालो, तो इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 2 है, इसका रिमाइंडर 3 है, तो ये 1 हो गया, ये i हो गया, ये -1 हो गया, ये iota हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ सकता है। तो यहां से अगर हम सीरीज पर चलें तो दो केस में हम इस प्रॉब्लम को तोड़ेंगे, एक वो जो 10 से 11th में आए हैं जिनको सीरीज का कोई ज्ञान नहीं, एक वो जिनको 11th से आगे बढ़ गए हैं, यानी जिनको प्रोग्रेशंस का ध्यान है, एपी जीपी एचपी का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मैं आपको बताऊंगा जिनको 10th से 11th गए हैं, 10th से 11th वाले इसका सेट बना लें, 10th से 11th वाले इसका सेट बना लें, ये 4 पॉइंट मिलकर के 0 बना देते हैं, ऐसे आगे के 4 फॉर्म होंगे, फिर वो 0, फिर वो 0, कोई लास्ट टर्म अगर बच गया हो तो उस टर्म को, जो बचा हुआ टर्म है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन जो 11 कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर एक सिंपल से जीपी फॉर्म हो रही है। क्या है जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, ए प्लस
और एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ पर वन दे रखी है और आई की आर की वैल्यू कितनी है आयोटा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना है हमारे पास, ये तो n माइनस वन है, n माइनस वन इक्वल टू टू जीरो टू वन, तो n इक्वल टू आ गया टू जीरो टू टू टू। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, वन i की पावर टू जीरो टू टू माइनस वन और i माइनस वन, और यहाँ पर फोर से डिवाइड करिए फटाफट, फोर से डिवाइड करिए फटाफट, कितना आ जाएगा टू जीरो टू जीरो, फोर से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा टू, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस वन आयोटा माइनस वन, तो आई प्लस वन, आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, आई प्लस वन। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपको आयोटा लेवल की जो प्रॉब्लम है वो ए टू जेड कंप्लीट हो गई, टाइप वन है, टाइप वन में आप जाके किसी भी जगह पे देखिए, चाहे एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, जाकर के अब बुक है आयोटा से रिलेटेड जितनी है वो सारी की सारी हो गई। अब हम लोग एंट्री मारेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, ठीक है ना। तो यहां तक को एक बार, अच्छा एक चीज पढ़ने का तरीका, थोड़ी सी चीज पढ़ो उसको वर्क करो, एक टॉपिक, सिंगल एक टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ लिया उसके प्रॉब्लम कर लिया, प्रॉब्लम करने के बाद आप बुक कॉपी पेन सबको सेट कर दो, पांच मिनट के लिए अपने आप को ब्लैंक कर दो। देखो याद रखो, अगर आप अपने कंप्यूटर को देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे तो वो क्या करेगा, वो डिफॉल्ट पोजीशन देता जाएगा आपको। पहली बात तो ये है कि जो भी फाइल हो, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक प्रॉपर एड्रेस देना है। जिस फाइल को आप प्रॉपर एड्रेस देते हो वो आगे जा करके आप कभी भी रीओपन कर सकते हो, लेकिन जिसको आप एड्रेस नहीं देते ना उसको फिर आपको सर्च में ही डालना पड़ जाएगा। और सर्च डालने का मतलब जानते हो क्या है, कंप्यूटर है तो उसकी तो मेमोरी इतनी सी है, अपनी तो मेमोरी जितनी वो कंप्यूटर रखता है ना उतनी तो हम डेली की रखते हैं, ठीक है। वहां सर्च करने बैठोगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो रिसाइक्लिंग बिन से परमानेंट के लिए डिलीट हो जाती है। तो भैया मेरे, हर एक फाइल को एक एड्रेस प्रोवाइड करो। अब एड्रेस कैसे प्रोवाइड करते हैं वो सुनो, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, मैंने क्या कहा ये यहां तक मैं पहुंचा हूं आयोटा तक के, अब आयोटा के सारे टाइप हो गए, ठीक है, आयोटा लेवल के सारे टाइप हो गए। अब आपको क्या करना है, एक माइंड सेट करना है, कॉपी पेन को साइड करना है, आंखें बंद कर लेनी, पूरा प्रोसेस दो उसको, क्या पढ़ा, क्या एमटी सर ने बोला उसको पूरा एकदम स्कैन करने दो, चलने दो माइंड में, क्लियर। अब उसके बाद ओपन, अब आप याद रखो कि जब आप मतलब 20 साल बाद भी अगर इसको लोगे ना तो ये आपको याद रहेगा, गारंटी ले लीजिए, लिख लीजिए। मिलते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपने सबको इजाजत दीजिए, बाय।